भूमियार और यादवों के गठजोड़ देखने के लिए मिल रहा है एमएलसी चुनाव से, वहीं अभी बात कर रहे हैं, हमारे बगल में हैं आशुतोष जी जो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के से अध्यक्ष से अब पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, वह तेजस्वी यादव से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद से राजनीति में कह सकते हैं कि इस गठजोड़ को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही है और कई तरह की बातें हो रही है और आशुतोष कुमार पर कई तरह के छींटाकसी आरोप भी लग रहे हैं। इसको लेकर हम अभी सवाल करेंगे कि एमएलसी में जो परिणाम आया आशुतोष जी, जिस प्रकार से परिणाम आया, आपके समाज के कह सकते हैं कि 25% प्रत्याशी वहां पर जीतते हुए नजर आए, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके झकास भारत के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और आपका जो सवाल है कि जो 25% सीटें भूमिहार समाज के खाते में गई हैं एमएलसी, तो एक अच्छी शुरुआत है, ये एक अच्छी शुरुआत है भूमिहार के लिए या समाज के लिए। जो समाज विगत 35-40 वर्षों से उपेक्षित था उसके लिए एक अच्छी शुरुआत है, और जो पार्टियां कल तक परहेज करती थी उन्होंने भी अपना दिल खोलकर टिकट दिया, इस समाज को समर्थन दिया, और समाज ने भी दिल खोलकर उनका साथ दिया और आज परिणाम आपके सामने है। तेजस्वी से भी जाकर मिले जीतने के बाद ही, उससे पहले समझ में नहीं आया, टिकट दिए इसलिए मनोस्थिति बदला या कुछ और बातें थी? देखिए, सबसे पहले तो हम तेजस्वी जी को आमंत्रण देने गए थे। आप मुख्यमंत्री भी बनाने की बात कह रहे थे? पहले तो आमंत्रण देने गए भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर जी, और बाद में जब उनका हृदय परिवर्तन देखा और एक विशाल हृदय का उन्होंने प्रदर्शन किया कि भाई हम सबकी बात कर रहे हैं, खुलकर उन्होंने मंचों पर सभाओं में कहा कि केवल एक जाति को टिकट देने से सरकार नहीं बनेगी, हम जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं उस मिशन में सफल नहीं होंगे। उन्होंने साफ कहा कि यादव समाज को भी चाहिए कि भूमिहार समाज के प्रत्याशियों को वोट करें, मंच से कह रहे थे, पूरा मंच से कह रहे थे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और ये अच्छी बात है। तो हमें लगा कि जब कोई दोस्ती का हाथ है आपके तरफ आगे बढ़ा रहा है तो आपका काम, आपका फर्ज बनता है कि आप आगे बढ़कर उनका हाथ थामिए, उनका दामन थामिए, विधानसभा में आशा करते हैं कि वो टिकट। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है जी, तो आशुतोष कुमार मुख्यमंत्री मटेरियल तो अभी है नहीं, हम लाग लपेट वाली कोई बात नहीं करते, जो मुख्यमंत्री मटेरियल हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मतलब एकदम पूरा राजनीति इधर से उधर हो जा रहा है तो लोग भी अकचका जा रहे हैं एकदम। ये तो कई वर्षों से चल रहा है, 2020 के चुनाव में भी आपको देखने को मिल गया होगा, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे वहाँ वहाँ हमारे समाज के लोगों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। अभी जैसे कि बात आ रहा है कि तेजस्वी ने भूमिहारों को टिकट क्यों दिया, तो उन्हीं लोगों को टिकट दिया जो काफ़ी मतलब मालदार पार्टी थे, कहे कि ये इस एमएलसी में पैसे का बोलबाला रहता है, तो पैसे वाले को टिकट दे रहे थे, भूमिहार को टिकट नहीं दे रहे थे। ये एक एंगल से आपके ये भी सोचने का तरीका, क्योंकि विधानसभा में एक सीट दिए मतलब कि बहुत कम, और वो भी उनको दिए जो वो निर्दलीय जीते हुए थे। अच्छा, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं जी, कि आज पैसे वालों की कमी यादव समाज में कम है क्या? पैसे वाले यादव समाज में नहीं है, पैसे वाले दूसरे समाज में नहीं है, भूमिहार से ज़्यादा धनवान कुबेर लोग यादव समाज में हैं, टिकट उन्हें भी दिया जा सकता था, या दूसरे समाज में भी लोग हैं उन्हें भी दिया जा सकता था। तो यहाँ पैसा मायने नहीं रखता, पैसा एमएलसी चुनाव में तो पैसा ही जीतता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हमारे समाज में ही लोग पैसे वाले हैं, अन्य वर्गों में भी लोग हैं, लेकिन ये टिकट बंटवारे के समय जो समीकरण साधने की बात होती है कि हम फलाने वर्ग को, फलाने जाति को, फलाने, क्योंकि जाति आधारित ही राजनीति होती है, तो तेजस्वी जी के मन में ये लगा होगा यदि समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका देते हैं तो समाज का समर्थन हमें मिलेगा, और भरपूर समर्थन उनको मिला भी। आप एकदम पूरा समर्पित हो गए तेजस्वी के प्रति। देखिए, किसी न किसी के साथ तो आपको रहना होगा, आप सत्ता पक्ष से भी लड़ेंगे और सत्ता के विपक्ष से भी लड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, आप फिर अकेले पड़ जाएंगे, और जिद में यदि रहेंगे कि नहीं आज के 40 साल 30 साल पहले ऐसा हुआ था इस वजह से हम नहीं करेंगे, तो जिद के कारण बड़ी बड़ी हस्तियाँ मिट गई, जिद के कारण बड़े बड़े देश तबाह हो गए, बड़े शक्तिशाली देश तबाह हो गए, हम और आप क्या चीज़। इसलिए इस एमएलसी चुनाव परिणाम ने पूरा आपका मनोस्थिति बदल दिया, किया इससे पहले? केवल मेरा ही नहीं, विगत
एमएलसी चुनाव की जब घोषणा हुई थी तो जो प्रतिक्रियाएं तेजस्वी जी की तरफ से आ रही थी, राजद के लोगों की तरफ से आ रही थी, तो हमें लगा कि उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि जो वर्ग हमसे अब तक दूर था, जो समाज हमसे अब तक दूर था, उनसे बेहतर संबंध स्थापित किया जाए। तो केवल उनका ही फर्ज नहीं बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है, हमारे समाज का भी फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आपका समाज तेजस्वी को नेता मानेगा? समय और परिस्थिति सब कुछ मनवा देता है, किसको मानेगा? नीतीश कुमार को भी नहीं मान रहा है। अभी कौन है नीतीश के खिलाफ? नीतीश के सामने मुख्यमंत्री के दावेदार कौन है? यदि एक को आप नहीं मान रहे हैं तो दूसरे को तो मानना होगा। यानी कि तेजस्वी अब मुख्यमंत्री हो गए, मतलब और क्या दूसरी बात कि मुख्यमंत्री बनाना, एक्सेप्ट करना नेता के रूप में राजनीति, ये अलग बात है। और अभी आने वाले 2-3 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं है, लोकसभा विधानसभा चुनाव 24 और 25 में है, तो अभी जो भी कहा जाएगा वो अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। प्रयास किया जा रहा है, केवल यादव ही नहीं, हर वर्ग से हम लोग अपना बेहतर संबंध स्थापित करें, चाहे वो नाई हो, धोबी हो, कहार हो, कुम्हार हो, पासवान हो, रविदास हो, हर जाति से हम लोग बेहतर संबंध स्थापित करें। और इसी में हमारा भी भलाई है, समाज का भी भलाई है, बिहार का भलाई है और देश की भलाई है। जिनको हम आदर्श मानते हैं, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, चाहे वो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी हैं, चाहे स्वामी सदानंद सरस्वती जी हैं, चाहे राज नारायण जी हैं, उन्होंने हमें यही ज्ञान दिया, यही शिक्षा दी, यही प्रेरणा दी, और हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। और राजनीति अपनी जगह पर है, यदि तेजस्वी जी और हमारे साझे प्रयास से हमारे और उनके समाज के 10% लोगों के भी दिमाग में यह बात अटती है कि नहीं, हम दुश्मन नहीं हैं एक दूसरे के, बेवजह हम दुश्मनी पाले हुए हैं, बेवजह मीडिया और एंटी सोशल लोग हम दो ताकतवर समाज के लोगों को आपस में लड़वा कर और सत्ता अपने पास में रखना चाह रहे हैं, हम एक साथ होकर बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं, बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा ये प्रयास सार्थक हो गया। मतलब आपका कहना है कि भूमिहार और यादवों को लड़वाया जाता है? निश्चित रूप से लड़वाया गया। इसमें योजना मतलब कौन लोग ये? कई लोग कहते हैं कि 90 के दशक में, तो 90 के दशक में जो नरसंहार करने वाले थे वो केवल यादव नहीं थे, केवल यादव नहीं थे। आप यदि नक्सल का इतिहास पढ़ेंगे तो सभी दूसरे जाति के लोग थे, 90% दूसरे जाति के लोग थे, लेकिन थोप दिया गया चूंकि लालू यादव की सरकार थी, कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी रही इसलिए थोपा गया। लेकिन हमारे गांव का यादव, हमारे गांव के भूमिहार से ऐसा नहीं कि वो जातीय द्वेष के कारण लड़ाई कर रहा है, वो तो आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। यदि किसान भूमिहार है तो उनकी खेती कर रहा है, उनकी बटाईदारी कर रहा है, उनकी मनीदारी जोत रहा है, यादव समाज कर लो। तो पूरा नरसंहार भूल जाएंगे आप, आधा दर्जन नरसंहार जो एकदम भीषण हुआ था? नरसंहार को देखिए, घाव को कुरते रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी, और यदि नरसंहार के आप आंकड़ा देखेंगे उसमें जितने लोग मारे गए, केवल भूमिहारी नहीं मारे गए, यादव भी मारे गए, पासवान भी मारे गए, कोरी कुर्बी भी मारे गए, मल्लाह भी मारे गए, राजपूत भी मारे गए, ब्राह्मण भी मारे गए, सब जाति के लोग मारे गए। जितनी तकलीफ हमको है उतनी ही तकलीफ उनको भी है, राजनीति के शिकार हुए लोग। लेकिन यदि आप उस दौर को दिखाना चाह रहे हैं कि नरसंहार में इतने लोग मारे गए, तो हम विगत 16 वर्षों के नीतीश जी के शासनकाल का आंकड़ा आपके सामने रख देंगे, तो वो जो नरसंहार में जितनी मौतें हुई वो काफ़ी छोटी नजर आएंगी आपको, नीतीश जी के शासनकाल में जितनी मौतें हुई हमारे समाज के लिए। मतलब नीतीश जी ज़्यादा मौतें कर हत्याएं कर ज़्यादा हत्याएं हुई और चुन चुन कर हुई, चुन चुन कर प्रभावशाली लोगों की हत्याएं। कितने नाम, कितने कुछ, नाम आपको गिना? कुछ नाम जुड़वा दीजिए, रमेश्वर मुखिया जी से शुरू कर लीजिए, नीतीश कुमार के शासनकाल में हत्या हुई, वो नीतीश कुमार ने करवाया, नीतीश कुमार के शासनकाल में। यदि लालू यादव के शासनकाल में नरसंहार हुई तो आरोप लालू यादव के ऊपर लग रहा है, तो नीतीश कुमार के शासनकाल में यदि परमेश्वर मुखिया की हत्या हुई तो आरोप नीतीश कुमार पर लगना चाहिए। यदि नीतीश कुमार के शासनकाल में हत्या समीर कुमार की हुई, जो एक्स मेयर मुजफ्फरपुर के थे, तो इसका हत्या का आरोप नीतीश कुमार पर लगना चाहिए। यदि नीतीश कुमार के शासनकाल में पप्पू देव की हत्या हुई तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। यदि नीतीश कुमार के हत्याकांड में
नीतीश कुमार के शासनकाल में कृष्णा साई की हत्या हुई तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, रुपेश कुमार की हत्या हुई तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, ये क्रेडिट कौन लेगा? मतलब नीतीश कुमार मर्डरर हैं। और ये सारे के सारे वो प्रभावशाली लोग जिनके वजह से इनका समाज सुरक्षित था, संरक्षित था, इन लोगों का अपना एक अपना प्रभाव था क्षेत्र में, प्रभुत्व था, लोगों की मदद करते थे, वैसे लोग थे, चुन चुन कर समाज से हीरे को, कोहिनूर को उठा लिया गया। फिर भी आपका समाज उसी के तरफ समर्थित रहा एनडीए का सत्ता। वही बात है, हृदय परिवर्तन करना होगा, चीज़ों को समझना होगा कि आप 30 साल पहले वाले दुश्मन को आज भी दुश्मन मान रहे हैं और जो वर्तमान में आपका हर रोज़ नुकसान कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा कर रहा है, और केवल गर्दन ही नहीं काट रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी काट रहा है, कागजी तौर पर भी पंचायती राज चुनाव में आरक्षण लगाकर, ईडब्ल्यूएस में आपको उम्र सीमा में छूट नहीं देकर, बिहार में जो सरकारी वैकेंसियाँ निकलती हैं बहुत सारी वैकेंसियों में ईडब्ल्यूएस को के लिए कोटा ही नहीं होता है, और भी कई प्राइवेट सेक्टर में बिहार रिजर्वेशन लगाने वाला पहला राज्य हुआ, तो कई ऐसी चीज़ें नीतीश कुमार ने की हैं। अभी देखिए 29,500 एकड़ मठों की ज़मीनों को सरकारी संपत्ति घोषित नीतीश कुमार ने करवाया है, वो ज़मीनें किसकी थी? नीतीश कुमार जी नालंदा से तो नहीं लाए थे, वो कुर्मी समाज की तो ज़मीनें नहीं थी। आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो भूमिहारों ने उन ज़मीनों को दान में दिया था ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे मठ मंदिर में हमारे बच्चे पढ़ें, वहाँ से वेद पुराण का ज्ञान लेकर आए, हमारे संस्कृति हमारे धरोहर को बचा कर रखें, संरक्षित रखें। आज आप उनको नष्टनाबूद कर रहे हैं, यानी आप हमारी संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार ने रीति रिवाज संस्कृति पर आपका वार किया, ये निश्चित रूप से वार किया और बहुत गहरा वार किया, और आने वाले कई दशकों तक इसकी भरपाई करना अभी असंभव दिखता है। अच्छा, तेजस्वी से मिले उसके बाद लगा कि आशुतोष कुमार कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं अपना सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, मतलब कुछ तो मन में लालच होगा या कुछ ऐसा चीज़ें बात सवाल आ रहा है। मतलब हम तो नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रण देने गए थे भगवान परशुराम जी की जयंती में, बस और बातचीत नहीं हुआ कुछ, क्योंकि भगवान परशुराम जी के बारे में एक आम अवधारणा बनी है कि ये भूमिहारों के ब्राह्मणों के भगवान हैं, जबकि ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, इसलिए कुछ वामपंथी मीडिया लोग ये प्रचार करते हैं कि ये ब्राह्मणों के, इसमें अन्य वर्गों को नहीं जाना चाहिए। तो वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण भी थे, यादव कुल में जन्म लिए थे तो केवल यादवों को पूजा करनी चाहिए कृष्ण की, भगवान श्री राम भी विष्णु के अवतार थे राजपूत कुल में जन्म लिए थे केवल राजपूतों को पूजा करनी चाहिए उनकी। तो हम चाहते हैं कि भगवान परशुराम जी की जयंती मने और उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, जो भी भगवान परशुराम में आस्था रखते हैं वो लोग पहुँचें। और एक मांग जो हम लोग रख रहे हैं बिहार सरकार के समक्ष कि स्कूली पाठ्यक्रमों में जैसे रविदास जी के बारे में, जैसे गुरु नानक जी के बारे में आप उनकी जीवनी पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से भगवान परशुराम की भी जीवनी पढ़ाई जाए ताकि बच्चों को पता लगे कि आखिर द्रोण, कर्ण और भीष्म के गुरु रहने वाले महाप्रतापी भगवान परशुराम जी की जीवनी कैसी थी और उनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सरकार आपकी बातें मांगे सुनेगी? हमारा काम है सरकार के समक्ष रखना, हम लगातार रख रहे हैं, अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, हम तो नीतीश जी के दिल में झांक कर देखते नहीं है कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। अभी जैसे आप एक कहावत कहे कि बाभन जी का चूड़ा और यादव जी का दही मिलाकर खाएंगे तब होगा भैया, ये तो एक तरह से हो गया कि मतलब कि क्या बोले इसमें, कहने का मतलब है कि देखिए दो जाति एक तरफ हैं बाकी सब टकरा जाओ, कहने का मतलब भूमिहार बाभन खेतीहर हैं जी, धान उपजाते हैं तो चूड़ा हमारे यहाँ होता है जी, और पशुपालन करते हैं यादव समाज के लोग तो दही उनके यहाँ होता है, और जब तक चूड़ा के साथ दही नहीं मिलेगा तब तक खाने में आनंद नहीं आएगा। आप एकदम घोर जाति मतलब कह सकते हैं एकदम वाला समीकरण अथी एक कहावत लेकर आए हैं, इसको समाज एक्सेप्ट करेगा? देखिए आप जाति जाति की बात करेंगे तो बाकी जातियाँ तो अलग होगी ना आशुतोष जी। देखिए जाति का सवाल केवल हमसे नहीं होना चाहिए, जाति का सवाल तो नीतीश जी से भी होना चाहिए, जाति का सवाल तो भाजपाइयों से भी होना चाहिए। आप MLC चुनाव में भी देखे होंगे कि केवल वैश्य समाज को ही प्राथमिकता दी गई, मतलब मोदी जी के जाति का, मोदी जी के जाति का, यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जाति का, अमित शाह जी की जाति का, ये प्राथमिकताएं दी गई। तो जाति आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, और जाति समीकरण बनाकर ही सत्ता तक लोग पहुँचते हैं,
और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो भी व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं फिर वो बदलाव लाते हैं, तो जाति अपने पीछा कहाँ छोड़ती है। अभी पूरा व्यस्त रह रहे हैं एकदम, इसको मतलब कैसे कैसे दौरा हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं ये आपके थोड़ा सा? जी हम लोग हर रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में भी जा रहे हैं। जैसे भुमियार के गांव में ही या सभी के? नहीं, हम तो सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और जिनकी भी इच्छा होती है वो आते हैं। नितीश जी को बुलाइएगा। जिनकी भी इच्छा होती है वो आते हैं और हम लोग किसी को हाथ पकड़ के जाति पूछ के बाहर नहीं करते हैं कि आप हमारे सभा में आए हैं तो आप दूसरे जाति के हैं क्या। ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। जो लोग भी आते हैं, दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं। दलित पे, भूमियारों पे आरोप लगता है कि ये दलितों का मतलब कि अपमान करती है, शोषण करती है। दलितों का जितना पोषण भूमिहारों ने किया, इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत का शायद किसी जाति ने नहीं किया हो। ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे वही वामपंथी मीडिया वाले लोग, वही वामपंथी लेफ्टिस्ट लोग जो नहीं चाहते हैं कि दलित और अगड़ा एक साथ आए और हमारा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको नेस्तनाबूद कर दें। आप देख लें, आज भी यदि आप गांव में जाएंगे रविकांत जी, तो जो गांव के बाहर जो बस्तियां हैं जो दलितों की, यदि आप उसका पुराना खतियान देख निकाल कर देखेंगे तो कोई शर्मा सिंह तिवारी मिश्रा के नाम पर मिलेगा। आज उनसे हम ये तो नहीं करने जाते कि हमारे बाप दादा ने आपको ज़मीन दी थी, आज आपको वापस कर दो। हम बेशक भूमिहीन होते जा रहे हैं, बावजूद इसके नहीं कहते। सरकार कह रही है कि हम दलितों को ज़मीन देंगे, इसको किस हिसाब से देखते हैं? और आप लोग अपना एक अलग मांग किए थे। सरकार कहती है कि दलितों को ज़मीन देंगे, सरकार के भरोसे या सरकारों के संरक्षण पाकर अब तक कितने प्रतिशत दलितों का उत्थान हुआ है इसका भी आंकड़ा होना चाहिए सामने। और यदि हुआ है तो दलितों में आए दिन गरीबी बढ़ती क्यों जा रही है, भुखमरी बढ़ती क्यों जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती क्यों जा रही है, फुटपाथ पर रात गुजारने वाले दलितों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है, भीख मांगने वाले दलितों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? तो आप लोग स्वेच्छा से ज़मीन दे देंगे तब सरकार उस पर मतलब कि विचार नहीं करती? अब हमारे पास ज़मीनें कहाँ बची? अब तो ले देकर जो कट्ठा दो कट्ठा तो एकड़ से बीघा में आए और बीघा से अब कट्ठा में आ गए और अब धूर में आने वाले। मतलब भूमियारों के हाथ में जमीन नहीं है। अब तो सरकारी नौकरियां भी हमसे छीन ली गई। सरकारी संस्थानों में आप जाएंगे, चाहे ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, पीएचडी में जाइए, माइनर एजुकेशन में जाइए, स्वास्थ्य विभाग में जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, तो मात्र 1.5 से 2% हमारी भागीदारी वहाँ बची है। वो भी पुराने लोग बचे, नई बहाली नहीं होगी। तो हमारे पास जीविकोपार्जन के लिए तो केवल जो कट्ठा या धूर में जो ज़मीन बचा है वही, चाहे उसको बेचकर अपनी बेटी की शादी कर लें, चाहे माँ बाप का इलाज करवा लें, चाहे बेटे की पढ़ाई करवा लें, या साल भर के राशन पानी का जुगाड़ कर लें। अगर वो भी आप छीन लेंगे तो कहिए हम लोग सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं, फरमान जारी कर लीजिए। मतलब भूमियारों ने ज़मीन बेच दिया पूरा अपना, आपका कहना ये? हमारे पास कोई दूसरा भूमिहार मतलब कि भूमि से सीधा संबंध, जिसके नाम में ही भूमि जुड़ा है, सबसे अधिक प्रेम हमारा भूमि से रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि औरतों का सबसे ज़्यादा प्रेम जेवर से रहता है, गहना से। वो आखिरी पोजीशन में ही अपना जेवर बेचती है औरतें। उसी प्रकार से भूमिहारों का सबसे अधिक प्रेम जमीनों से रहा है, भूमि से रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि सबसे ज़्यादा ज़मीनें हमने बेची हैं तो आखिरी विकल्प रहा होगा, जब कोई रास्ता नहीं रहा होगा, थक हार कर रोक कर लोग, किसान लोग अपनी ज़मीनों को बेचते हैं, अपनी बेटियों की शादी करते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है कि भूमिहार की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं आपकी जाति को लेकर, सोशल साइटों पर भी पढ़ते होंगे, आम बोलचाल में भी आप पर बोला जाता होगा, तो इसकी थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग जरा बताइएगा। कई लोग इसको अपने अपने ढंग से तरीके से करते हैं, कई लोग अपने तरीके से करते हैं। आप क्या इसके बारे में क्या ये करते हैं? अगर विस्तार से इसको जानना है तो ब्रह्मर्षि वंश विस्तार नाम की पुस्तक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखा है जी। आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। एक बार और पुस्तक का नाम बता दीजिए। ब्रह्मर्षि वंश विस्तार। वैसे हम संक्षेप में कहेंगे, उन्होंने बड़ा शोध करके उस किताब को लिखा है जिसमें भूमि का मतलब सबको पता होता है, भूमि मतलब धरती, भूमि मतलब जमीन, धरा। हार का मतलब कन्फ्यूजन था, कई लोग कहते हैं कि हार मतलब भूमि का जो श्रृंगार है, भूमि का जो हरण करने वाला है, भूमि। कई दूसरे लोग कहते हैं, वामपंथी लोग, जो भूमि हार गया था उसको भूमिहार कहते हैं, मजाक के तौर पर कहते हैं। लेकिन उन्होंने अमरकोश डिक्शनरी से यह शब्द निकाला तो पता चला कि ह्री और हरने शब्द से हार बना है, जिसका मतलब होता है स्वीकारना,
प्राप्त करना, छीन लेना या नाश कर देना है। जो ज़मीनें हमारे पूर्वजों के किन्हीं गलतियों से किसी दूसरे के कब्जे में चली गई थी, उन्होंने अगर स्वेच्छा से दे दिया तो हम स्वीकार कर लिए, नहीं दिया तो किसी तरह से प्राप्त कर लिए, प्राप्त भी नहीं कर पाए तो बलपूर्वक छीन लिए, और जब छीन भी नहीं पाए तो नाश कर दिए, उसी को भूमिहार कहते हैं। और ये ब्राह्मण का एक अंग है, जिस प्रकार से पंजाब में मोहियाल, दूसरे राज्यों में चितपावन, यूपी में त्यागी, हमारे यहाँ भूमिहार बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए, ये तो भूमिहार की उत्पत्ति पर हो गया, इस पर बाद में बात करेंगे कि इनके पास इतना सारा ज़मीनें कैसे आया और तमाम चीज़ें। मगर अभी जो बात आ रहा है कि नीतीश कुमार को आप आमंत्रण करेंगे इसमें, मुख्यमंत्री जी को? हम अपने तरफ से जिस भी कोई भी दल के नेता हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या नेता प्रतिपक्ष हों, मिलने के लिए समय या विधायक दल के नेता हों, हमने उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके समय मांगा है। अब उनकी इच्छा है, जी जी, यदि वो चाहते हैं कि भाई हम भी उस कार्यक्रम में शिरकत करें तो निश्चित रूप से समय देंगे, और यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो इग्नोर करेंगे। हमने अपना काम कर दिया है। अच्छा, आपको कौन लगते हैं, तेजस्वी या नीतीश? देखिए, नीतीश जी तो अच्छे लगते थे 2005 में, लेकिन 2005 के बाद जो उनका रवैया हुआ है तो अभी नहीं लगता है कि उनसे बुरा कोई नेता धरती पर होगा। अभी अगर आशुतोष कुमार को मिनिस्टर बना दें तब तो अच्छा लगने लगेगा। देखिए, आशुतोष कुमार को मिनिस्टर बनना होता तो 2020 में बन गया होता। उन्हीं का सहयोगी दल भाजपा के तरफ से न जाने कितनी बार मीटिंगें हुई उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अन्य नेताओं के साथ में, ऑफर दिया गया आप पार्टी को विलय कर लीजिए, आपको 5 सीट देते हैं, आपको मंत्री बनाते हैं, लेकिन केवल मंत्री और विधायक बनना हमारा मकसद रहता तो आज विगत 8-10 वर्षों से हम पूरे बिहार में घूमकर दूसरे राज्यों में जाकर जितना परिश्रम कर रहे हैं, यदि एक विधानसभा में परिश्रम किए होते तो आज सुमित सिंह की तरह निर्दलीय विधायक होते और किसी पार्टी के साथ मिलकर हम भी सांसद मंत्री होते। अभी बहुत सा पार्टी है, मांझी जी, सहनी जी, तमाम चीज़ें, ये सब लोग अपना अपना भला कर लिए जाति के नाम पर। अब लगता है कि वो जाति, कई बार लगता है कि जाति ये ठगा गया। देखिए, व्यक्तिगत हित ज़्यादा हो जाता है। मांझी जी की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि मांझी जी तो परिवार को देखे हैं जी, और केवल चाहे समधिन को चुनाव लड़वाएं, बेटा को MLC बनाएं, दो दो मंत्रालय बेटा को दे दें, खुद दो जगह से चुनाव लड़ जाएं, तो वो तो परिवार का भला कर रहे हैं। वही हाल कमोबेश स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी रहा, 6 टिकट में से 5 टिकट परिवार को ही लोकसभा का देते थे। मुकेश सहनी तो परिवार के किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ा है, जो बात फैक्ट है वो कहेंगे। और वो मंत्री बनने के बाद भी आज भी हर मंच से और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने समाज की बात करते हैं, और अपने समाज को EBC से ST में डालने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। और हमें जानकारी मिली थी कि नीतीश जी यहाँ से अनुशंसा करके आगे भेज भी दिए थे, और केंद्र सरकार वहाँ रोक लगाई जिसके विरुद्ध में UP चुनाव लड़े और आज उनका हश्र है। तो यदि आपके जहन में समाज है, आपके जहन में ये है कि भाई हम बिहार के तमाम जातियों के साथ साथ हमारे भी समाज के लोग जो उपेक्षित हैं, जो आज जिनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, हम उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, तो आपको ये मतलब आपके नज़र में मुकेश सहनी एक सफल और मतलब अपने काम पर अड़े रहे? हम इतना नहीं कहेंगे जी, क्योंकि मुकेश सहनी जी ने कुछ ब्लंडर मिस्टेक किया है, उनको इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, एक सवाल है, मुकेश सहनी का छोड़ देते हैं, ये BJP छोटी छोटी पार्टियों को जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब निपटा रही है, उसको कैसे देखते हैं? BJP का ये पुराना रीत रहा है, वो बड़ी मछली है और चाहती है कि छोटी मछलियों को खाकर हम जिंदा रहेंगे, इसलिए उनके नीतियों पर हम कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे और ये उनके नीति में शामिल है। आप तो समर्थक रहे ना BJP का? हम कभी BJP के समर्थक नहीं रहे, हम कभी BJP के समर्थक नहीं रहे, और ना कभी नीतीश जी का समर्थक रहे, और ना कभी जीवन में रहेंगे, हम नीतीश जी के भी समर्थक नहीं रहे। शुरुआत के दिनों का नीतीश जी का कार्यकाल अच्छा रहा था, तो नीतीश जी की प्रशंसा हम करते थे, जो 5 साल का काम था। उसके बाद जो उनकी नीति में हमने खोट देखा तो बिल्कुल दिल से उतर गए। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे, मगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाले सवाल पर जवाब ठीक से नहीं आया। आने वाला समय हम यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव का है, फिलहाल यही संकेत है, और
युवा हैं, हम चाहेंगे कि सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों को आप साथ लेकर चलिए और नीति नियत यदि आपका स्पष्ट रहेगा तो निश्चित रूप से सभी जाति सभी धर्म के लोगों का प्यार सम्मान आपको मिलेगा और सबका सहयोग होगा और आप एक दिन बिहार के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेंगे भी। और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जिस दिन आप उस कुर्सी पर बैठेंगे तो बाकी नेताओं से हटकर आप जिस प्रकार से बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार देने की बात आप पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी किए थे, तो आप इस पर अपना ध्यान आकर्षण करेंगे और बिहार जो आज सबसे पिछड़ा राज्य में जिसकी गिनती होती है, गठबंधन तय माना जाए अभी हम कैसे कह सकते हैं, अभी ये तो डार्क में है अभी फिलहाल। हम अच्छा, आप निमंत्रण देने गए थे कि कुछ और भी बातें? हम केवल निमंत्रण देने गए थे और केवल निमंत्रण देने। कितने देर का मुलाकात हुआ? लगभग 40-45 मिनट हम लोग मिले। तो बहुत सारा बात हुआ होगा बिहार का राजनीति? बहुत बातें हुई लेकिन हम केवल निमंत्रण देने के उद्देश्य से गए थे और उसी कार्यक्रम से संबंधित हमारी बात हुई थी। सकारात्मक थे? बिल्कुल सकारात्मक थे। विधानसभा में सीट तो आप ले ही लीजिएगा, अब ये तो आने वाला समय बताएगा और वो हमारे संघर्ष के ऊपर निर्भर करता है। कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता है, हर व्यक्ति किसी में अपना लाभ किसी में हानि ढूंढता है और यदि उनको लगेगा कि आशुतोष में क्षमता है, यदि आशुतोष को आशुतोष के साथ गठबंधन होती है हमारी तो हम उस मिशन में सफल हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये आने वाला समय एक अच्छा मिलेगा। तो आप भी घर परिवार में बांट लीजिएगा टिकट? परिवार में तो हम पहले ही कहे कि जब 5 टिकट हमको भाजपा दे रही थी तो 5 परिवार को दे दिए होते, आज हमारे परिवार के 5 लोग विधायक होते, हमको कोई पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, हम मंत्री भी होते हैं, हमारे परिवार के 4-5 विधायक भी होते। लोकसभा में एक आध को तो सेटअप कर ही सकते हैं अपना, कम से कम सेट करने की जहाँ तक बात है हम अपने विचारधारा समझौता नहीं करेंगे, हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। किस तरह का विचारधारा, जाति या? हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो आइडियोलॉजी है समाज भी है, बिहार भी है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार भी है, बेहतर बिहार का निर्माण है, औद्योगिक क्रांति बिहार में लाने की बात हम करते हैं, IT हब बिहार को बनाने की बात करते हैं, रोजगार की फैक्ट्री बिहार को बनाने की बात करते हैं, ये हमारे एजेंडा में शामिल है और इससे हम समझौता नहीं करेंगे। रोजगार के लिए आपका क्या? बिहार में रोजगार का तो अपार संभावना है। नीतीश जी भी बोलते हैं, देते कहाँ, केवल बोलते हैं लेकिन उनको समाज सुधार यात्रा, शराबबंदी, आपको बाल विवाह, इन योजनाओं से फुर्सत मिलेगा तब तो, और ये भी समाज के हित में योजना है लेकिन ये योजना यदि इनके धरातल पर उतरे तब तो। नल जल योजना इनका चला, कितने अरबों रुपए उसमें लगा दिए, आज किसी भी गांव का नल खोल कर देख लीजिए पानी आता है क्या, तो वो कहाँ से पैसा लाए थे, ये हरनौत से खेत बेचकर तो नहीं लाए थे, ये बिहार के जनता का खून पसीने का कमाया हुआ टैक्स था जो अपने महत्वाकांक्षी योजना को लेकर, अति महत्वाकांक्षी योजना को लेकर ये पैसा पानी की तरह बहा दी, उसका कोई लाभ नहीं। गाँव में जो PCC ढलैया सड़कें बनी थी उसको खुदवा खुदवा कर पाइप डलवाया गया, आज तक उन सड़कों का मरम्मत नहीं हुआ है। फिर भी जनता उन्हीं को चुन रही है। नीतीश जी की नीयत, फिर भी जनता उन्हीं को चुन रही है। जनता तो उनको नकार दी 2020 में, आप देख लिए, ये तो भाजपा की कृपा से बने हैं, ये तो भाजपा ने बिहार की जनता को ठगा है, भाजपा ने बिहार की जनता के साथ छल किया है, भाजपा बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया था, बावजूद भाजपाइयों ने नीतीश कुमार को फिर से बिहार के जनता के ऊपर थोप दिया कि आपको 5 साल नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा, ये हमारा आदेश है। आपकी पार्टी छोड़कर कौन पार्टी आपको अच्छा लगती है? BJP, JDU, RJD, ये सब कौन, मतलब अच्छा? हर पार्टी के आप अध्यक्ष से पूछेंगे तो उन्हें केवल अपनी पार्टी अच्छी लगती है, और हमको कोई पार्टी अच्छी लगती तो हम उस पार्टी में नहीं चले जाते, अपनी पार्टी क्यों बनाते। गठबंधन करने का विचार तो क्यों मैंने पार्टी बना? गठबंधन में, बिना गठबंधन का तो सीट आप नहीं जीत पाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है जी, वहाँ पर बैठकर सहमति बनती है कि भाई आपकी ये 4 बातें यदि होंगी तो हमारी भी ये 4 बातें होंगी, तो जहाँ लोग, ऐसा नहीं है कि जो बातें केवल हम कहेंगे वही मानिए और आपकी बात हम नहीं माने, दोनों तरफ से दोनों हाथ बजाने से ताली बजता है छटाने से, तो कुछ अगले की भी बात मानी जाएगी, कुछ हमारी भी बातें मानी जाएंगी, अब वो समय बताएगा कि किसके साथ में जाना है क्या करना है। चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे, ये तमाम बातें भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष रहे आशुतोष कुमार से बात कर रहे थे और पीछे ये तस्वीर पर देख रहे होंगे RJJP राष्ट्रीय जन जन पार्टी
अब भूमियार ब्राह्मण का नाम मतलब कि संगठन को छिपा दिए और अब भूमियार का ही मतलब इतना भूमियार के नेता के तौर पर इतना पॉपुलर हो रहे हैं आशुतोष कुमार, पॉपुलर हो गए हैं, पॉपुलर हो क्या रहे हैं। तो तमाम बातें मैं करता रहूँगा। जाति को लेकर 3-4 पार्टियाँ बिहार में बन चुकी है, सक्सेस भी हो चुकी है, मगर एक आ सवाल बार बार आ जा रहा है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा है कि उत्तर तेजस्वी ओजस्वी से मिले, जाति को लेकर बढ़ते हैं लोग मगर अपना भला ज़्यादा करना लगते हैं, इस पे एक थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और महत्वाकांक्षा तो राजनीति में होना ही चाहिए मगर आप विश्वास नहीं हो रहा है, जैसे इस तरह के सोशल साइटों पर तमाम चीज़ें लिख रहे हैं कि आशुतोष कुमार ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अपना सेट करने के लिए लगे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो समाज है जी वो शिक्षित है, बुद्धिजीवी है और थोड़ा हम कहें हिसाब से ज़्यादा बुद्धिजीवी है, तो सब लोग अपना अपनी विचारधारा अपनी अपनी बात को रखते हैं। लेकिन हमने जो विगत 8-9 वर्षों के संघर्ष में जो 3,500 गाँव में जाकर जो परिस्थितियाँ देखी, जो बड़े बुजुर्गों से, जो युवाओं से, जो महिलाओं से उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया, तो लोगों के मन में एक इच्छा है कि अपना भी एक नेतृत्व हो, अपनी भी एक पार्टी हो जो हम अपने शर्तों के साथ में किसी के साथ में गठबंधन करें ताकि हमारे समाज का भी भला हो। लोकसभा नज़दीक है, लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, पार्टियां बनती हैं चुनाव लड़ने के लिए और हमारी पार्टी चुनाव लड़वाएगी। चलिए मैं धन्यवाद कहूँगा, बहुत लंबा वीडियो बन चुका होगा और तमाम बातें आ चुकी है। मेरा नाम हुआ रविकांत, आशुतोष जी से कई सवाल किए, उन्होंने जवाब दिया। अब बने रहिएगा झकास भारत के साथ, तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स मैं इसी प्रकार से लाता रहूँगा। धन्यवाद।